दक्षिणी कश्मीर के तीन जिलों कुलगांव, अनंतनाग और पुलवामा में आतंकियों ने गुरुवार को 8 पुलिसकर्मियों के परिजनों का अपहरण कर लिया। इनमें एक डीएसपी और एक एसएचओ का भाई भी है। पिछले 24 घंटे में 9 पुलिसकर्मियों के परिवार वालों के अगवा होने के बाद पूरी घाटी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद्य का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। आतंकियों ने पहले भी धमकी दी थी कि अगर उनके परिवार वालों के साथ ज्यादती की गई तो सुरक्षा बलों के परिवार भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। गुरुवार को आतंकी रियाज नायकू के पिता को पूछताछ के लिए उठाए जाने, 2 आतंकियों के घर जलाने और आतंकी सैयद सलाउद्दीन के दूसरे बेटे को एनआईए की ओर से गिरफ्तार किए जाने के बाद अपहरण की घटनाएं सामने आई है। माना जा रहा है कि परिवार वालों के साथ सुरक्षा बलों की ओर से सख्ती किए जाने पर बौखलाए आतंकियों ने अपहरण की वारदातों को अंजाम दिया। गुरुवार को पहले 3 पुलिसकर्मियों के परिजनों के अपहरण की बात सामने आई, फिर ये संख्या बढ़कर 5 हुई और देर रात 8 हो गई। जिनका अपहरण हुआ है उसमें आरवानी बिजबिहाड़ा निवासी पुलिसकर्मी मोहम्मद मकबूल भट्ट के बेटे जुबैर अहमद भट्ट, आरवानी निवासी एसएचओ नजीर अहमद संकार के भाई आरिफ अहमद संकार, खारपुरा कुलगांव निवासी बशीर अहमद मकरू का बेटा फैजान अहमद मकरू, यारीपुरा कुलगांव के अब्दुल सलाम राथर का बेटा सुमर अहमद राथर और डीएसपी एजाज का भाई गौहर अहमद मलिक शामिल है। इसके साथ ही आतंकियों ने पुलवामा जिले के कंगन से पुलिसकर्मी के भाई काकपुरा और मिदुरा त्राल से 2 पुलिसकर्मियों के बेटे का अपहरण कर लिया है। मिदुरा से पुलिसकर्मी गुलाम हसन मीर के बेटे नसीर अहमद मीर को अगवा करने की जानकारी मिली है। पुलवामा जिले के त्राल से बुधवार को अगवा किए गए पुलिसकर्मी के बेटे का फिलहाल सुराग नहीं लग पाया है। सुरक्षा बलों की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब कीजिए भारत तक को। हमारे वीडियोस को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।